नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5. ए बी सी, ए बी सी एंड डी बी सी आर टू आइसोसेलेस ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस बी सी. दो आइसोसेलेस ट्रायंगल्स ड्रॉ की गई है सेम बेस बी सी पर. शो दैट एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल ए सी डी. ये हमें प्रूव करना है. क्वेश्चन नंबर 5. गिवन क्या है? ए बी सी एंड डी बी सी आर आइसोसेलेस ट्रायंगल. जैसे कि हमें फिगर में भी शो है कि अगर ए बी सी आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो ए बी इज इक्वल टू ए सी. ये मेंशन किया हुआ कि ये साइड इक्वल है. डी बी सी में हमें मेंशन किया गया है बी डी और डी सी इक्वल है. गिवन ए बी सी एंड डी बी सी आर आइसोसेलेस ट्रायंगल्स विथ ए बी इज इक्वल टू ए सी एंड बी डी इज इक्वल टू डी सी. टू प्रूव एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल ए सी डी. प्रूफ. सबसे पहले हम ट्राइंगल लेते हैं ए बी सी. ए बी सी इज आइसोसेलेस ट्राइंगल ए बी इज इक्वल टू ए सी. सच दैट ए बी इज इक्वल टू ए सी, जिसमें ए बी और ए सी इक्वल है. अब मुझे पता है एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल. मैंने यहां पे एंगल क्यों लिए? क्योंकि मुझे जो प्रूफ करना है कि दो एंगल्स को इक्वल प्रूफ करना है. अब हम देखते हैं ए बी के ऑपोजिट एंगल. ए बी के ऑपोजिट एंगल ए सी बी दिस एंगल, और ए सी के ऑपोजिट एंगल ए बी सी दिस एंगल. सो ए बी के ऑपोजिट एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल ए बी सी. इसे मैंने दे दिया इक्वेशन नंबर 1. यहां तक क्लियर? नाउ दूसरी आइसोसेलेस ट्रायंगल लेते हैं. डी बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, और इसमें क्या गिवन है? बी डी इज इक्वल टू डी सी. अगेन एंगल्स ऑपोजिट टू, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल. अब अगर मैं बी डी के ऑपोजिट एंगल देखू, दिस इज द साइड बी डी, इसके ऑपोजिट एंगल कौन सा आएगा? डी सी बी. ये एंगल, एंगल डी सी बी, डी सी के ऑपोजिट एंगल डी बी सी दिस एंगल, एंगल डी बी सी. इसे मैंने इक्वेशन नंबर दे दिया 2. अब लेकिन मुझे जो प्रूफ करना है वो चाहिए एंगल ए बी डी और ए सी डी. अब मैं देखती हूँ ए बी और डी ये कैसे बन रहा है. अगर इन दोनों एंगल्स को ऐड कर दे, कौन सा एंगल? ए बी सी और डी बी सी, यही हो रहा है. तो क्या क्या हमने ऐड इक्वेशन 1 एंड 2. ऐड इक्वेशन 1 एंड 2. जब आपने ऐड करना है आपको ध्यान से देखना है कि सी जिसमें मिडल में है उसमें सी वाला ही ऐड हो, नहीं तो आप दूसरी साइड लिख सकते हो. एंगल ए सी बी प्लस एंगल डी सी बी इज इक्वल टू एंगल ए बी सी प्लस एंगल डी बी सी. अब चेक करते हैं ए सी बी प्लस एंगल डी सी बी, ये क्या बन गया? कंप्लीट एंगल ए सी डी, ए सी डी. नाउ एंगल ए बी सी प्लस एंगल डी बी सी, कंप्लीट एंगल ए बी डी. हमें यही प्रूफ करना था, या और लिख के लिख सकते हैं एंगल ए बी डी, पहले हमने ये लिख दिया, इज इक्वल टू एंगल ए सी डी. यही हमें प्रूफ करना था. दोबारा से बता रही हूं, दो ट्राइंगल्स हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल जो सेम बेस बी सी पर बनी है. हमने पहले ट्राइंगल ली ए बी सी जिसमें दो साइड ए बी और ए सी इक्वल हैं. एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल. तो ए बी के ऑपोजिट एंगल हो गया ए सी बी, ए सी के ऑपोजिट एंगल हो गया ए बी सी.
नेक्स्ट हमने दूसरी ट्राइंगल ली डीबीसी जो कि एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, इसमें बीडी के ऑपोजिट एंगल डीसीबी और डीसी के ऑपोजिट एंगल डीबीसी, लेकिन मुझे ये एंगल नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए एबीडी और एसीडी। फिर हमने फिगर में देखा कि एबीडी एंगल कैसे बन रहा है, एबीसी और डीबीसी को ऐड करें, तो हमने इक्वेशन वन और टू को ऐड कर दिया, ये दोनों सी वाले एंगल मिलके बने एंगल एसीडी और बी वाले एंगल मिलके बने एबीडी। यही हमें प्रूफ करना था कि एबीडी इज इक्वल्स टू एंगल एसीडी।